मध्य प्रदेश में डैमेज कंट्रोल में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बोले हमें रूठे कार्यकर्ताओं को पार्टी का काम करने के लिए करना है राजी, नाखुश नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाकर पार्टी के काम में लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बात करूंगा। वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड से, 20 साल से टूर्नामेंट में इंग्लैंड को नहीं हरा सकी है टीम इंडिया, भारत को आखिरी बार जीत 2003 में मिली थी, इसे खिताब जीतने की दो सबसे दावेदार टीमों का मैच कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं सीएम रेस में नहीं, मुझसे चुनाव लड़ने की चर्चा भी नहीं हुई। सिंधिया ने कहा बगावत भाजपा में नहीं कांग्रेस में, वहां झूठे मारे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इजराइल का गाजा में जमीनी हमला, टैंक लेकर घुसी सेना, मिसाइलें दागी, नेतन्याहू बोले वॉर सेकेंड स्टेज में पहुंचा, हमास का होगा सफाया, जीत हमारी ही होगी। मध्य प्रदेश में ठंड ने दी दस्तक, भोपाल में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ठंड का ट्रेंड, रात का टेम्परेचर 15 डिग्री से कम रहा, पचमढ़ी ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड के कई इलाकों में तापमान गिरा।